Now start. G plus 2, 25 into 40 का हाउस प्लान, तो 1000 स्क्वायर फीट के अंदर आपको 3 बेडरूम का एक डिजाइन मिलेगा, जिसमें आपको पहले 10 फीट हाइट तक की जगह मिलेगा। और इसमें हम जो देखिए फ्रंट का जो जगह रखा है यहाँ पर, तो इसमें आपको देखिए यहाँ पर हम अभी 7 फीट हाइट तक एक डोर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बाकी जो डोर का पोजीशन है, देखिए यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया था से पहले, तो आपके साथ भी हम यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। तो डोर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो उससे पहले हम इसका जो विंडो है यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। करने के बाद आपके साथ चलिए डोर भी इस यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। देखिए एक बार डोर कहाँ पर आएगा। देखिए इसका डोर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो हर घर का एक एक डोर यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद हम इसका विंडो का पार्ट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो फ्रंट का जो विंडो आएगा यहाँ पर हम विंडो दिखाएंगे फ्रंट में, जो है 7 फीट हाइट और 4 फीट, ठीक है। इस विंडो में हम अगर एक विंडो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम स्टेयर का पोजीशन ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो बाद में दिखाते हैं। पहले हम इस पोजीशन का भी इधर का जो है 7 फीट एंड इधर जो है 7 फीट और इधर जो है 7 फीट का हमने रखा है उधर। इसके बाद नीचे में 4 फीट, नीचे में भी 4 फीट डाउन, उसके बाद 4 फीट डाउन में हमने रखा है, ओके। उसके बाद इसका जो है देखिए इसका जो विंडो यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, और इसको विंडो भी यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे इधर। इसका जो विंडो यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे इसका विंडो इधर, ठीक है। विंडो प्रोवाइड करने के बाद इसको हम डिलीट करेंगे, और विंडो जहाँ पर है हम ये अपन दिखाएंगे, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का हम दिखाएंगे, बाकी जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम दिखाएंगे उसको जो आपने 3D में फ्रंट एलिवेशन में देखा है, ठीक है। देखिए तो उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे इसका जो स्टेयर हम यहाँ पर सेट करेंगे, तो फाइनली फ्रंट एलिवेशन। तो इसके बाद इसका अभी पैरापिट और कुछ विंडो बाकी है, तो बाकी देखिए यहाँ पर स्टेप का आपका बैल्कनी विंडो रहेगा। तो G+1 बिल्डिंग है यहाँ पर, G+2 नहीं है। तो इसका प्लानिंग हम दिखाएंगे आपके साथ, शेयर भी करेंगे, तो साइड से देखिए इसको, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसका अंदर का जो पार्ट है हम टॉप से दिखाएंगे, चलिए इसको ऐड करते हैं आपके साथ। देखिए इसमें हमने कुछ फर्नीचर प्रोवाइड किया है, जो बेड यहाँ पर, डाइनिंग टेबल यहाँ पर, सोफ़ा सेट यहाँ पर, पूजा रूम यहाँ पर, स्टोर रूम, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर एक बाथ एंड लैट्रिन, यहाँ पर 2 बेड, यहाँ पर एक स्टडी रूम कम बेडरूम, यहाँ पर स्टेयर का आप, ठीक है। तो स्टेयर का जो लैंडिंग इधर से आप बाहर का एक बैल्कनी आप यूज़ कर सकते, इधर से भी जो है ऊपर से जो टॉप लेवल से फर्स्ट फ्लोर से एक बैल्कनी यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है, इस बिल्डिंग प्लान में। तो इसके अंदर जो मेजरमेंट यहाँ पर देखिए 13 फीट बाई 12 फीट, इधर 10 फीट 9 इंच बाई 12 फीट, इधर 5 फीट बाई 7 फीट 4 इंच, इधर 4 फीट 10 फीट 4 इंच, इधर 14 फीट 9 इंच, इधर 9 फीट
और इधर जो है देखिए 9 फीट 4 इंच, और इधर जो किचन 6 फीट बाई 9 इंच, 9 फीट, यहाँ पर एक स्टोर रूम 4 फीट 6 इंच बाई 5 फीट 6 इंच, यहाँ पर पूजा रूम या गॉड रूम, ठीक है, स्टार्टिंग में 5 फीट 6 इंच बाई 5 फीट 8 इंच, यहाँ पर जो है लिविंग कम ड्राइंग 10 फीट 7 इंच, और यहाँ पर टेन फीट 4 इंच, देखिए यहाँ पर और स्टेयर का जो पार्ट है यहाँ पर हम बाद में दिखाएंगे आपको। चलिए इसके बाद हम इसका जो प्लानिंग है यहाँ पर इसको देखिए, और इसको हम करेंगे, तो इसके बाद हम देखिए इसका जो प्लानिंग है हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर इसका प्लानिंग, तो ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर सेम ही रहेगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने जो रखा है देखिए इस टाइप का है, तो इसमें हम जो मेजरमेंट यहाँ पर हमने पहले दिखाया है, तो अभी इसमें हम पुट करेंगे मेजर। तो देखिए इसमें 9 फीट 4, 5 फीट 7 फीट 4, तो इसमें इसके बाद यहाँ पर किचन 6 फीट बाई 9 फीट, यहाँ पर 4 फीट 6 इंच बाई 5 फीट 6 इंच, यहाँ पर 5 फीट 8 बाई 5 फीट 6, 10 फीट 6 बाई 7 फीट, 10 फीट 7 इंच, यहाँ पर देखिए जो है ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया सॉरी, तो इसके बाद ये इसका अंदर, तो इसके बाद जो है 1000 स्क्वायर फीट, तो इसमें देखिए इसके बाद किचन, इसके बाद बाथ एंड लैट्रिन, और इसके बाद गॉड रूम या पूजा रूम जैसे स्टोर, ओके, यहाँ पर गॉड या पूजा जो भी है यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो स्टेयर के बाद यहाँ पर हो गया ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर कॉपी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर में क्या होगा, ये नहीं रहेगा, सिर्फ यही रहेगा ऊपर में जाने के लिए, तो यही है। तो यहाँ पर गॉड रूम हम नहीं रखेंगे, यहाँ पर एक स्टोर रखेंगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर गॉड रूम जो है हम ऊपर में रखेंगे, यहाँ पर हम स्टोर, यहाँ पर स्टोर जैसे यही से रहेगा, सिर्फ यहाँ पर स्टोर रहेगा, यहाँ पर एक छोटा सा रूम रहेगा। तो ऐसे आप इसको एक साथ कर सकते हैं रूम को ऐड करके, ठीक है। तो 1000 स्क्वायर फीट में आपका बिल्डिंग प्लान है, तो इसका कॉलम पोजिशन हम अभी ऐड करेंगे। तो कॉलम हम ऐसे रखेंगे, तो 25 × 40, तो यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट का G+1 बिल्डिंग, ओके। तो इसमें आपको फ्रंट एलिवेशन में इस टाइप का दिखाई देगा, फ्रंट का जो बैल्कनी है इस टाइप का, और इसका जो बैल्कनी है ऊपर में इस टाइप का, और इसका जो देखिए पोर्च पोर्टिको जो है इस टाइप का रहेगा, तो इधर भी यह भी सेम है, तो इधर भी ऐसे हम रखेंगे सिंपल सा डिज़ाइन, तो खर्चा आपका कम हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, और ऑटोकैड ड्राइंग और 2D डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना।